Hey guys, welcome back to my channel. My name is वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल. आज जो मैं रिव्यू बनाने वाली हूँ वो है एनवाईबे के प्रोडक्ट जो मैंने पर्पल से मंगवाए हैं. और सीरियसली ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने बहुत इसकी रिव्यूज देखी है, वीडियोस देखी है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको इतने वीडियोस दिखाती हूँ तो इस बार ये ट्राई कर लेते हैं इसके कैसे रिव्यूज है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी. और इसके काफ़ी मैंने प्रोडक्ट मंगवाए हैं, हर एक प्रोडक्ट की मैं आपको बताऊंगी कि कैसे है और कैसे यूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप रिव्यू और मेकअप वीडियो. अभी हम देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है. तो आपको आपके फेस को प्रेप करना है. जो मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है इसके बाद जो मैं यूज करूंगी वो है रोज वाटर. आप किसी भी कंपनी का रोज वाटर यूज कर सकते हो. मैं स्प्रे बेस में इसको यूज कर रही हूँ. अगर आपके पास स्प्रे बेस है नहीं तो फिर आप कॉटन में लेके डैबिंग मूवमेंट में भी कर सकते हो. स्प्रे करने के बाद ये रोज वाटर है तो आप नॉर्मली आपके हाथों से भी इसको थोड़ा ड्राई आउट कर सकते हो. 2 मिनट रुको, ये खुद ही ड्राई हो जाता है. इसके बाद मैं जो यूज करूंगी वो है शुगर का ल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर. ये 02 नंबर का है और इसमें पिंक कलर का थोड़ा सा ल्यूमिनेटिंग है. सो मैं इसको यूज करूंगी. आप ऑल ओवर द फेस इसको यूज कर सकते हो और ये मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से करता है. आप डेली बेसिस में भी अगर आपको नॉर्मल लुक चाहिए तो आप इसके साथ आपका जो भी फाउंडेशन है वो मिक्स करो और वो लगाओ, आपको बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जैसे लुक भी मिलेगा. सो ये बहुत ही अच्छा मैंने हैक बताया है कि आपको रेगुलर फाउंडेशन अगर नहीं करना है तो आप आपके मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके आप टिंट मॉइस्चराइजर बना सकते हो और आप ऐसे भी रेगुलर आपका लुक बना सकते हो. सो मॉइस्चराइजर मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगा दिया है. अभी मैं 2 मिनट इसको सेट होने के लिए दूंगी क्योंकि मॉइस्चराइजर, प्राइमर वो सब सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको वो टाइम देना चाहिए. या अभी मेरा जो फेस है मॉइस्चराइजर वो सेट हो रहा है, तब तक मैं, आप हर वक्त मेरे हर एक वीडियो में देखोगे जब भी मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ उसके बाद मैं उसको सेट होने के लिए टाइम देती हूँ, तब तक मैं मेरे आईब्रोज कवर कर लेती हूँ. तो मैं यहाँ मैं मिस क्लेयर का डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. ये मेरी बहुत फेवरेट है, आप मेरे हर एक वीडियो में यही देखोगे क्योंकि इसका जो मुझे कवरेज मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है. इसके लिए मैं यूज़ करूँ. इसके साथ स्पूली भी आता है जो मेरे आईब्रोज को अच्छे से मुझे कोम करने में मदद करता है. आप कभी भी आईब्रोज आपके मिडल एंड टू एंड तक करेंगे और जो भी आगे जो फ्रंट लाइन है वहाँ पे आपको बस आगे का जो प्रोडक्ट है वही स्पूली में लेके आपको बस उसको लाइट कर देना है. क्योंकि अगर आप उसको डार्क करोगे तो फिर बहुत ही जो लुक है वो ड्रामेटिक दिखेगा, जो आपको आपका फेस को ड्रामेटिक नहीं दिखाना है. आईब्रोज डन हो चुके हैं. इसके बाद जो मैं यूज करूँगी वो है प्राइमर. मेरे पूरे फेस के ऊपर मैं प्राइम करूँगी मेरे स्किन. ओके, सो यहाँ पे मेरे आईब्रोज डन हो चुके हैं. अभी मैं यूज कर रही हूँ एनवाईबे का प्राइमर. ये जो प्राइमर है वो लगाने के बाद आपके स्किन के ऊपर एक ब्लरी इफेक्ट आएगा जिससे कि आपके जो पोर्स है वो ब्लर हो जाएंगे. तो आप आपके फिंगर्स पे अच्छे अमाउंट में प्राइमर ले लो और पूरे फेस के ऊपर उसको लगा दो. अभी ये जो है ये मैं फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं एनवाईबे का यूज कर रही हूँ. लेट्स सी इसका कैसे रिजल्ट है, जो बोला है वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं. सो जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे जो प्राइमर का जो मेन रहता है कि उसमें वेलवेटी लुक रहता है, तो हाँ मुझे वो फील हो रहा है. मुझे वो वेलवेटी जो सॉफ्ट फीलिंग रहती है प्राइमर की वो तो मुझे फील हो रही है आराम से. अभी जो ब्लर इफेक्ट है वो हम चेक करेंगे. अभी अच्छे से मैंने पेनिट्रेट कर दिया है मेरे स्किन में इसको. अभी इसके बाद अब हमें समझेगा कि ये ब्लर इफेक्ट दे रहा है, अपने पोर्स ब्लर हो गए हैं क्या.
हाँ, ये काफी हद तक मेरे स्किन के ऊपर जो पोर्स है इसको ब्लर इफेक्ट दिया है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। बहुत ही काफी हद तक इसने ब्लर इफेक्ट दे दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पोर्स थे वो काफी हद तक थोड़े से ब्लर हो चुके हैं। सो ये अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप डेली बेसिस यूज करना चाहते हो फाउंडेशन के साथ तो आप ये जो प्राइमर है इसको यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, जो भी मेरे डार्क सर्कल्स है, जो एक्ने स्पॉट्स है, इसको मैं कवर अप करूंगी। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ NYBAE का कंसीलर, कंसीलर नंबर 4 बेज कलर है, ये मैं अप्लाई करूंगी। इसका जो कंसीलर का कवरेज मुझे ये कलर में ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही अच्छा थिक कंसीलर है, और इसका जो कलर है वो काफी हद तक मेरे डार्क सर्कल्स को कवर करेगा। अब इसको हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे और स्किन में अच्छे से। जिसका जो प्राइस है इसका, उसके हिसाब से तो इसने बहुत अच्छे से काम किया है और अच्छे से ये कवर अप कर रहा है। अगर आप चाहे तो और लगा सकते हो, आप डबल कोटिंग भी कर सकते हो। ओके, अभी इसके ऊपर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, क्योंकि फाउंडेशन भी मैंने NYBAE का ही यूज करने वाली हूँ। ये लिक्विड फाउंडेशन है और ड्यूई ड्रॉप्स है इसमें, आपको थोड़ा सा लुमिनेटिंग और शिमरी जैसा लुक दिखेगा। देखते हैं अभी कितना सच है। इसका जो नंबर है वो है नंबर 9 कैफे लाटे। सो ये चेक, इसकी जो पैकेजिंग है वो ऐसे आ रही है, मुझे इसको ओपन करना पड़ रहा है। बस थोड़ा सा अगर पैकेजिंग थोड़ी अच्छी होती और इजी वे लेना होता तो फिर ये बेटर होता। सो इसके लिए मैं मेरे स्पैचुला का यूज करूंगी। मैं अच्छे अमाउंट में वो जो है ये फाउंडेशन निकाल लेती हूँ। कंसिस्टेंसी जो है फाउंडेशन की वो थिन है, बहुत ही थिक नहीं है, क्रीमी नहीं है, वो थिन में है। अभी इसका जो कवरेज है वो चेक करेंगे कि क्या वो कवरेज देगा। तो क्या लग रहा है कैसे स्किन कवर हो रही है? तो मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर है और थोड़ा लाइटर है, थोड़ा फेयर है। और देखते सेट होने के बाद वो कैसे लुक देगा, शायद सेट होने के बाद मेरे स्किन टोन को मैच हो जाए।
अभी लगाया है तो शायद ना समझे, पर हाँ जो डुई फिनिश है, जो बोला है, जो शाइन आएगी तो फिर वो हल्का फील हो रहा है, हल्का तो डुई है। कभी भी प्रोडक्ट आपको ना डायरेक्टली वो आपके हाथ पे लेने हैं और उसके बाद आपके स्पॉन्ज पे या फिर ब्रश पे आपको अप्लाई करना है अच्छे से। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो डायरेक्ट उसमें आप स्पैचुला यूज़ करो या अच्छे से, अगर वो पंप बेस में नहीं है, अगर जैसे मैंने बताया कि अभी ये जो ऐसे बॉटल बेस में है तो ऐसे उंगली मत डालो, आप स्पैचुला यूज़ करो जिससे कि निकालो, आपके हाथ पे लगाओ और फिर अप्लाई करो। तो हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खुद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन फिर भी हाइजीन मेंटेन रखना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे हाथ गंदे हो जा रहते हैं या फिर अदर्स प्रोडक्ट हमने लगाए रहते हैं हमारे हाथों से, तो वो हाथ उस बॉटल में जाते हैं और फिर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वहाँ पे बैक्टीरिया क्रिएट हो सकता है और वही फाउंडेशन आप लगाओगे और उससे भी आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। सो थोड़ा सा हाइजीन आपको रखना है, भले ही आपके लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो लेकिन फिर भी आप ही के लिए आपको हाइजीन मेंटेन करना है। तो थोड़ा डबल फाउंडेशन के बाद, कोटिंग के बाद मुझे स्किन में एक डुई फिनिश लग रही है, अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं एंडिंग में समझेगा कि वो कैसे रिजल्ट दे रहा है। इसको सेट करने के लिए आपको यूज करना है लूज पाउडर, आप कॉम्पैक्ट भी इसके आते हैं आप यूज कर सकते हो, पर मैंने लूज पाउडर चूज किया क्योंकि ये जो है फाउंडेशन वो डुई फिनिश वाला फाउंडेशन है और मुझे इसको सेट करना था, तो इसके लिए मैंने लूज पाउडर, जो ट्रांसपेरेंट पाउडर है वो यूज़ किया। इसमें शेड्स भी आते हैं उनके, पर मैंने वाइट ट्रांसपेरेंट पाउडर जो है वो मैंने चूज़ किया है। इसके लिए मुझे इस कंपनी की बहुत ही अच्छा ब्रश मुझे मिला है, तो ये NYBay का ही ब्रश है, ये बहुत मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने वो ले लिया। मैं अभी ये पाउडर जो है वो पहले मेरे अंडर आईज पे मैं उसको सिक्योर करूंगी। देखते अभी ये पाउडर कितना, ये ब्रश कितना काम करेगा और ये पाउडर भी कैसे काम करेगा। तो ये ब्रश कोई काम का है नहीं, ये स्टिक भी नहीं कर रहा है। मैंने अभी स्पंज ले लिया है, वो मैं मेरे अंडर आई के ऊपर डैप करूंगी। मैंने पूरे मेरे फेस को सेट कर दिया है। अभी ये ब्रश का क्या काम होगा, जो एक्सेस प्रोडक्ट आपने लगाया होगा पाउडर, तो ये बस वो रिमूव करने के लिए ही आपको यूज होगा। तो मैं जो एक्सेस प्रोडक्ट है मैं वही इसको डस्ट करने के लिए ब्रश को यूज करूंगी। एप्लीकेशन में तो इसने काम जीरो कर दिया है, तो फिर आप ये ब्रश बस एज अ डस्ट के लिए ले सकते हो। कभी कभी क्यूट प्रोडक्ट कोई काम के नहीं रहते, पैसे वेस्ट करने के काम के रहते हैं बस। ओके, तो एक्सेस प्रोडक्ट जो था वो मैंने डस्ट कर दिया है। इसके बाद जो है वो मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर और ब्लशर। अभी मुझे इसको सेट करना था फाउंडेशन को, मैं इसी लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर ही मैं ब्लशर और हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैं लिक्विड ब्लशर और हाइलाइटर वो यूज़ कर रही हूँ वो लिक्विड बेस ही है, वो पाउडर बेस नहीं है। तो बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप पाउडर तभी आपको सेट करना है पाउडर से जब आप उसके बाद पाउडर बेस ही प्रोडक्ट यूज़ करने वाले रहते हो, पर मुझे वो फाउंडेशन के ऊपर अगर मैं, मुझे लग रहा था मैं कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट लगाऊंगी ब्लशर या हाइलाइटर
तो वो फाउंडेशन को भी निकाल देगा, या फिर वो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा था। तो इसके लिए मैंने पहले मेरे फाउंडेशन को सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी, ये लिक्विड ब्लशर है और मैं इस ब्लशर को यूज़ करूँगी। तो इसका जो कलर है वो पिंकिश है, यहाँ पे नाम यस पीच टोन है 04। तो देखते हैं अभी इसका रिजल्ट कैसे आता है। वैसे वो एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है। इसको जो आपको अप्लाई करना है, आप आपके हाथों से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, और आप चाहे तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो देखते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे काम होता है। हाथों से भी अच्छा हो रहा था, नो डाउट, पर ब्यूटी ब्लेंडर से देखते हैं कैसे हो रहा है। हाथों से जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में बैठ रहा है प्रोडक्ट, और ब्लेंडर से अगर मैं ये प्रोडक्ट ब्लेंड करूँ तो फिर वो निकल रहा है। तो जैसे अपनी इस साइड का देखा, यहाँ पे थोड़ा लाइट लग रहा है क्योंकि वो ब्लेंडर ने निकाल लिया है, और नोज़ के ऊपर भी शायद मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी और मेरे फिंगर से ही मैं ब्लेंड करूँगी। अगर ज्यादा हो जाए तो आप ब्लेंडर का यूज कर सकते हो एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए। पर इसका कलर बहुत अच्छा है, आप रेगुलर बेसिस भी इसको यूज कर सकते हो, और सीरियस मतलब कलर बहुत अच्छा है, पीच कलर 04 नंबर है, आप डेफिनेटली यूज करना तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप रेगुलर बेसिस में भी ब्लशर को यूज कर सकते हो ये। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर भी जो है वो मैंने, इनका शिमर ड्रॉप करके आता है, वो मैंने यूज़ किया है 02 नंबर शिमर ड्रॉप। आप इसको ना, इस हाइलाइटर को आपके फाउंडेशन में भी डाल के यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपके फाउंडेशन जो है वो ग्लोई, और ग्लोई दिखेगा और शिमरी दिखेगा। अगर आप नाइट बेस में मेकअप करना चाहते हो तो ये जो शिमर है वो आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करो, इसका भी रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे से आएगा। मुझे बहुत पसंद आया है, आप भी देखो। आपको कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपका जो ब्लशर है जो एंड हो रहा है ऊपर के साइड पे, वहीं पे आपको ये हाइलाइटर जो है वो यूज करना है। जहाँ पे हाइलाइटर लगता है वहाँ वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, और मैं फास्टली इसको ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये ड्राई आउट हो जाते हैं जल्दी भी, लिक्विड हाइलाइटर। इसके लिए आपको लगाने के बाद फटाफट, या अगर आपको टाइम लगता है तो फिर आप धीरे धीरे एक 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 चीज़ लगाओ और फिर इसको ब्लेंड करो। तो आप देख रहे हो मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, और मैं ऊपर की तरफ नहीं जा रही, मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने बहुत कम अमाउंट लगाया है क्योंकि फिर ज़्यादा दिख के आता है लिक्विड हाइलाइटर्स। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो आप और लिक्विड हाइलाइटर लगा सकते हो। मैं और थोड़ा सा इस साइड पे लगाऊंगी, चिक्स के ऊपर, थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए। और जैसे मैंने बोला, डस्ट करने के लिए ही ये ब्रश यूज़ है, तो मैं बस इसको लूँगी, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लूंगी और जस्ट मेरे फेस को इसको सेट कर दूंगी। या
आप देख रहे हो ये सेट हो गया है। सेम वैसे ही एक्सेस प्रोडक्ट निकालो और आपको सीधा वही जहां पे आपने क्रीमी प्रोडक्ट लगाया है वहीं पे जाके आपको ब्रश को नहीं रखना है। आप जो ब्रश है वो लेके अदर्स जगह पे लगाओ और फिर जो वो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको आप उसके ऊपर लेके जा सकते हो। अगर मैं वो लेके डायरेक्ट यहीं पे लगा देती तो फिर वो पैच बैठ जाता, तो मुझे वो नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हो कि कहीं पे भी पैच नहीं दिखाई दे रही, राइट? सो मैं बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट का यूज कर रही हूँ। इससे मैं जो शेड लेने वाली हूँ वो है डार्क ब्राउन, ये नंबर। डस्ट करेंगे एक्सेस प्रोडक्ट और अप्लाई करेंगे। पहले आपको कभी भी कॉर्नर पे अप्लाई करना है क्योंकि कॉर्नर जो है वो हमारा डार्क रहता है, वो डेप्थ रहता है, तो वो हमें, और इनर कॉर्नर आपको कभी भी लाइट शेड या हाइलाइट्स पार्ट लगाना है क्योंकि वो आपको बाहर निकालना है। ये जो आई शेडोज है आप किसी भी पार्टी में या कोई भी फंक्शन में भी आप कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है बहुत डार्क लगाना तो आप लाइट बेस भी लगा सकते हो। अप टू यू है, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। तो मैं इससे और ज्यादा डार्क नहीं जाऊंगी। सेम यहीं पे अप्लाई करना है आपको, कॉर्नर्स पे पहले अप्लाई करना है और राउंड सर्कुलर मूवमेंट में आपको यही जो प्रोडक्ट है वो लेके आने। कभी भी आप प्रोडक्ट लो और ऐसे लगाओ और राउंड करो, नहीं। आपको कभी भी प्रोडक्ट लेके आपको टैप करके आपको वहां पे प्रोडक्ट बिठाना है और उसके बाद आपको राउंड सर्कुलर मूवमेंट करके आगे आना है। आई शेडो की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट आई शेडो करना सिखाएगी। आप देखोगे यार ये बहुत इजी है, चलो कर लेते, ऐसे नहीं होता। आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी के आई शेप क्योंकि अलग होते हैं, हर एक कोई किसी का आईज अलग रहता है, तो हर किसी का टोन अलग रहता है, हर शेड हर चीज हर किसी के आईज के ऊपर नहीं जाती, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अभी इक्वली मेरा अप्लीकेशन हो गया है। अभी जो मैं अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर में, मैं अप्लाई कर रही हूँ क्यूट कैंडी लव का 03 नंबर का जो ग्लिटरी लिक्विड आई शेडो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनर कॉर्नर में आपको हाईलाइट पार्ट रखना है जो हाईलाइट करे, जो बाहर निकाले आपके इनर कॉर्नर को, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। सेम एप्लीकेशन हम यहाँ पे करेंगे, एक ड्रॉ। इसको थोड़ा सा ड्राई आउट होने देंगे क्योंकि उसके बाद आप उसको ब्लेंड करो। कोई भी लिक्विड आई शेडो पहले अप्लाई करो, उसको ड्राई आउट करो और फिर ब्लेंड करो। को आपको दोनों को मर्ज करना है प्रॉपरली दोनों को भी मर्ज करो, लाइन नहीं रहनी चाहिए, ओके? इसके बाद अभी हम काम करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ करबार का वाटरप्रूफ आईलाइनर। मैं कभी भी पहले बेसिक आईलाइनर करके लेती हूँ, उसके बाद अगर मुझे विंग्स निकालने हैं या कोई और क्रिएट करना है लाइनर तो फिर वो इजी हो जाता है। तो इसके लिए पहले बेसिक आईलाइनर करके लो। सो लाइनर तो हमने कर लिया पर विंग निकालना नहीं है,
तो ये बेसिक लाइनर ही अच्छा लग रहा है। अभी हम यूज़ करेंगे मस्करा। मस्करा जो मैं है यूज़ कर रही हूँ फॉरेवर 52 का एक्सेल लैश मस्करा। ये अभी तो मेरा फेवरेट है, इसके लिए हर वीडियो में आपको ये दिखेगा। करते हैं ड्राई आउट होने के बाद और एक दो लेयर्स आप लगा सकते हो, तो इससे और आपकी जो लैशेस है वो थिक और लॉन्ग दिखेंगे। फिर मैं एक ही कोट लगाती हूँ। इसके बाद यूज़ करेंगे NYB का लिक्विड लिपस्टिक, जिसका नंबर है रूल ऑफ लाइफ नंबर 10। हमने जो लिपस्टिक है वो लाइट शेड यूज़ की है, क्योंकि जो हमारे आंखें हैं वो ग्लिटरी है, शाइनी है, तो इसके लिए हमने लिक्विड जो लिपस्टिक है वो लाइट बेस यूज़ की है। आपको कभी भी क्या करना है, जब भी आपके आई शेडोज डार्क होते हैं या फिर आप ग्लिटर अप्लाई करते हो आपके लिप्स को, आपको कभी वाइब्रेंट या डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी है। आपको हमेशा ही लाइट लिपस्टिक लगानी है, क्योंकि फिर आपके लिप्स भी वैसे इन्हांस होते हैं, आपका मेकअप अच्छे से इन्हांस हो जाता है, आपके आईज अच्छे से इन्हांस हो जाते हैं। अगर आप सब डार्क डार्क यूज़ करोगे तो कोई भी पूरा फ्लैट लुक दिखता है, एक ही लुक दिखता है। तो अच्छे से हर एक फीचर्स इन्हांस होने के लिए आपको बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है फिक्सर। तो मैं NYB का ड्यूई फिनिश फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट में हमेशा बताती हूँ, यूज़ करने से पहले उसको शेक करो और फिर आपके फेस के ऊपर अप्लाई करो। तुम्हें सांगत लगा लिपस्टिक ड्राई वाटे के ने वो अभी थोड़ी देर में आपको इसका जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्मेल है आज परफ्यूम सर का। ओके सो अपना मेकअप जो है वो कवर क्लियर हो चुका है पूरा, और ये है फाइनल लुक। काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है। अभी जो मुझे प्रोडक्ट पसंद आए पर्सनली, वो सबसे पहले तो ब्लशर और हाइलाइटर है। मुझे बहुत पसंद आया, और मैं हाइलाइटर के और भी जितने शेड्स हैं उसमें से एक दो शेड्स और मंगवाऊंगी। और ब्लशर में भी बहुत अच्छा टिंट है, ऐसा नहीं है कि वो निकल जा रहा है, तो टिंट बहुत अच्छा है। हाइलाइटर का भी जो शिमरी पार्ट है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। आप देख रहे हो मेरे फेस के ऊपर अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। तो ये दो चीज़ें जो है वो मुझे बहुत पसंद आई, तो ये 10 out of 10 है कि मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद जो मुझे पसंद आया वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक का ये जो शेड है ये बहुत अच्छा लगा। और ये जो लिपस्टिक लगाने के बाद, तो कोई लिक्विड लिपस्टिक ड्राई ही होती है, आपको ऐसे क्रीमी इफेक्ट नहीं देती, पर ये जो लिक्विड है ये इतनी भी ड्राई आपके लिप्स के ऊपर नहीं लग रही कि वो बहुत ही ड्राई कर दे या आपके लिप्स को बहुत ड्राई फील कर दे, या बोलने में भी आपको ऐसे चिपक जाते हैं लिप्स कभी कभी बहुत ड्राई लिपस्टिक के वजह से। तो ये लिपस्टिक में वैसा है नहीं, ये लिपस्टिक आपको मुझे इतना भी ड्राई फील नहीं हो रहा है कि आप मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा भी है नहीं। तो ये काफ़ी अच्छे लिपस्टिक्स हैं। इसके शेड्स भी मुझे बहुत पसंद आए, और मैंने इसको स्क्वॉच करके देखा भी था जब आई थी तब, तो हैंड वॉश के बाद भी वो नहीं निकली है। इसका टेंट भी काफ़ी हद तक रहता है। तो फिर ये आप रेगुलर यूज़ या किसी भी फंक्शन के लिए, छोटे फंक्शन के लिए आप ये लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो मुझे इसका पसंद आया है प्रोडक्ट वो है इसका फिक्सिंग। इसमें थोड़ा सा स्मेल है, अगर आपको स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर आप ये यूज़ मत करो, पर इसमें थोड़ा सा परफ्यूम जैसा स्मेल आता है, पर ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। स्मेल भी इतना गंदा है नहीं, अच्छा है स्मेल है। तो ये ऑफ कोर्स ये 10 out of मैं इसको 8 दे दूँगी, और लिपस्टिक को भी 10 out of 10। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स है। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फाउंडेशन एंड प्राइमर और कंसीलर। प्राइमर ओके, 10 out of 8
अच्छा काम किया है, हल्का सा ब्लरी इफेक्ट भी दिया है प्राइमर ने, पर बहुत ही छोटी पैकेजिंग है इसकी। तो ये जो कंसीलर है वो आपको रेगुलर बेस में आप यूज़ कर सकते हो, आप कोई हाई कवरेज के लिए आप ये दोनों भी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको बिल्कुल हाई कवरेज नहीं देने वाली। तो फाउंडेशन और इसको मैं 10 out of 6-7 ऐसे ही दूंगी, क्योंकि जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे वो इतने पूरे नहीं हुए, तो फिर इसके लिए मैं उनको 10 out of 6-7 ही मैं बताऊंगी। पाउडर जो है वो ओके फाइन, ये भी फाउंडेशन और कंसीलर के इसमें ही जाता है, क्योंकि ये भी 10 out of 6-7 ही है। इतना भी मुझे इसकी, इतना छोटा पैकेजिंग है और ये अगर बहुत ही ज़्यादा ये उड़ता है तो फिर ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट ओके फाइन है। इसके बाद जो मैंने ब्रश ले लिया था ये 10 out of 0, क्योंकि ये आपके एक तो पाउडर को अच्छे से बिठा नहीं रहा, ये बस डस्ट करने के लिए है, तो आप इसको बस डस्ट के लिए यूज़ करो, या फिर मैंने जैसे बोला हर एक क्यूट चीज़ अच्छी नहीं होती, तो ये क्यूट है पर अच्छा नहीं है, और ये प्राइस वर्थलेस चीज़ है, तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आपको अगर लेना है तो आप हाइलाइटर और ब्लशर ज़रूर लेना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और ऑफ कोर्स जो मैंने स्प्रे बोला है ये सेटिंग स्प्रे वो भी अच्छा है। सो ये थे मेरे रिव्यूज़ एन वाई बे के प्रोडक्ट्स को लेके। ऐसे ही मैं अलग अलग जो भी कंपनीज़ है और मुझे जो पर्सनली पसंद आते हैं मैं वो कंपनीज़ के डेफिनेटली वीडियोज़ और बनाऊँगी, आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।